हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फीलिंग फूडीज। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बेसन की बर्फी की रेसिपी। इसको हम जिस मेजरमेंट के साथ बनाना बताएंगे उससे आपकी बेसन की बर्फी परफेक्ट बनकर तैयार होगी। और हाँ, एक बात और, अगर आपकी बर्फी खाते टाइम दांतों में चिपक जाती है तो बेफिक्र रहिए, इस रेसिपी को ट्राई करके बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी चाशनी बनाएंगे। उसके लिए हम 850 ग्राम शक्कर लेंगे। अगर हम कप से मेज़र करेंगे तो 4.25 कप। इसमें हम 300 ml पानी डालेंगे। कप से मेज़र करेंगे तो 3/4 कप। बस इतना ही पानी डालना है कि शक्कर पानी में अच्छे से भीग जाए। अब इसको मिक्स करेंगे और एक तार की चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। इतनी ही चाशनी बन रही है, हम साइड में बेसन को भी भून लेते हैं। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम 350 ग्राम देसी घी ले लेंगे। कप से मेजर करेंगे तो 1.5 कप। आप चाहें तो डालडा घी भी ले सकते हैं। इसको हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। यहाँ हम 1/2 किलो बेसन लेंगे। अगर हम कप से मेजर करेंगे तो 3.5 कप। ये मोटा बेसन है, इस बेसन की वजह से ही हमारी जो बर्फी है वो दांतों में नहीं चिपकेंगी। अब इसको हम स्लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे, जब तक इसमें से खुशबू नहीं आ जाती और इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। अब इसको हम कंटिन्यू मिक्स करेंगे। जैसे जैसे हम इसको मिक्स करेंगे ये एक पतली कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, आप देख सकते हैं। अब हमारा बेसन बुन चुका है और अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अब इसमें हम इलायची के दाने डालेंगे और साथ ही येलो फूड कलर भी डाल देंगे बर्फी को एक अच्छा सा कलर देने के लिए। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम चाशनी चेक करते हैं। आप देख सकते हैं इधर हमारी चाशनी भी बन गई है। इसको चेक करते हैं। ये एक तार की चाशनी बनकर रेडी है, आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। अब गैस की फ्लेम को कर देंगे हम ऑफ। अब इसको हम बेसन की कढ़ाई में पलट देंगे। आप चाहें तो बेसन को चाशनी में पलट सकते हैं या चाशनी को बेसन में, एक ही बात है। अब गैस की फ्लेम को कर देंगे हम मीडियम और इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। दस मिनट कंटिन्यू चलाने के बाद ये कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ गई है और ये पैन भी छोड़ रही है, आप देख सकते हैं। ये पहले से काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना हमारी जो बर्फी है वो जमेगी नहीं, बिखर जाएगी। अब गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ।
अब जिस प्लेट थाली टीन में हमें बर्फी को जमाना है उसको घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और सारे बैटर को इस प्लेट में पलट देंगे। और प्लेट को हम इस तरह से झटक देंगे ताकि बैटर एकसार हो जाए। अब इसके ऊपर बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। और इसको रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अब ये जो बैटर है वो अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसको हम कट कर लेंगे। और ये हम आपको एक बर्फी निकाल कर दिखाते हैं। कितने अच्छे से हमारी बेसन की बर्फी सेट हुई है आप देख सकते हैं। अब एक एक करके सारी बर्फी को हम निकाल लेंगे। और ये काम हमें पेशेंस के साथ करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आप बेसन की बर्फी का टेक्सचर देख सकते हो, कितने अच्छे से ये सेट हुआ है। अगर आपने इनको एक बार ट्राई कर लिया तो डेफिनेटली बार बार इनको बनाना चाहेंगे। इतने मजे की ये बर्फी बनकर तैयार होती है। और ये हमारी सारी बेसन की बर्फी निकल कर रेडी है सर्व करने के लिए। वाओ, कितनी यम्मी लग रही है ये बेसन की बर्फी। जो भी खाएगा वो तो आपकी तारीफ करे रह ही नहीं पाएगा। अब इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। ऐसे अगर आप छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी बेसन की बर्फी भी परफेक्ट बनकर तैयार होंगी। तो आप भी फिर इस त्योहार पर मेरी इस रेसिपी को ट्राई करके अपने घरों में बेसन की बर्फी को बनाइए और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। और अपना फीडबैक देना कमेंट में मत भूलिएगा। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।